बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन पर दो विशेष समुदायों के बीच हिंसा हुई। इस बवाल में 22 साल के गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। बहराइच कांड का मुख्य आरोपी सरफराज खान और उसका दोस्त तालिब नेपाल भागने की फिराक में थे। हालांकि गुरुवार दोपहर एसटीएफ से मुठभेड़ में दोनों घायल हो गए। सरफराज और तालिब को पैर पर गोली लगी है। ये एनकाउंटर नेपाल सीमा के पास हांडा बसहेरी गाँव के पास हुआ। एडीजी अमिताभ यश ने इस बात की पुष्टि की है कि बहराइच हिंसा से जुड़े अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल सरफराज खान और उसके दोस्त तालिब को बहराइच मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। मेडिकल कॉलेज के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इस मामले पर बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उसके साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, क्या है ये मामला? जी, थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, क्योंकि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई, और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था, और एक और अवैध असलाह इनके द्वारा वहाँ पर छिपाया गया था, और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी, अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहिम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है, और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज़ जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है, और अन्य जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक हैं, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी को सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी, जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाएगी। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को? जी अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, फिर मौके पर पहुंच के फिर आगे की सूचना। थैंक यू। नानपारा इलाके के स्वास्थ्य समुदाय केंद्र यानी हेल्थ कम्युनिटी सेंटर के डॉक्टरों ने आरोपियों को फर्स्ट एड दिया। एनकाउंटर के बाद पहले इलाज में डॉक्टर असरश सिद्दीकी ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो नहीं निकाली गई है, वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। दोनों की नहीं निकली अभी? दोनों की नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहराइच हिंसा के आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में घायल होने की जानकारी दी गई। बता दें सीएम योगी ने अधिकारियों को बहराइच में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी दे देते हैं कि बहराइच में हाल ही में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई थी, तभी से सोशल मीडिया पर हिंसा से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें गोपाल मिश्रा की हत्या का वीडियो भी शामिल है। वायरल क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि जब गोपाल मिश्रा छत से गिरे झंडे को लपेट रहा था, तभी उसे किसी ने गोली मारी और मौके पर ही गोपाल मिश्रा ने दम तोड़ दिया। इस हत्या का आरोपी कौन था, किस तरह की गन से फायरिंग की गई, फिलहाल पुलिस इसकी जाँच में जुटी है। लोकलिटीन के लिए बहराइच से बिन्नू बाल्मीकि की रिपोर्ट।